मैम इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में 2 बार बोले, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को, राहुल जी को उन्होंने घेरा। कांग्रेस को तो ये तक कह दिया कि आपको तो नाम ही बदल देना चाहिए पार्टी का। अच्छा, तो अब बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, 1984 नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री, तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? भविष्य की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में कितने रोजगार पैदा किए हैं? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में जितने लोगों को कांग्रेस ने की 2 सरकारों ने गरीबी रेखा से उठाया था, अब वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों हो गए हैं फिर से? ये क्यों नहीं बताते? मुझे समझ में नहीं आता उनका ये इतना सनक क्यों है कांग्रेस पार्टी और अतीत से। नेहरू जी को भी वो याद करते हैं चाइना के संदर्भ में। देखिए, सब जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए। सब जानते हैं कि अगर कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की कितनी भूमिका हुई। अब ये आप किसी तरह से इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अब प्रयास करिए, लेकिन सच्चाई तो उभर के आएगी ना। प्रियंका मैम, आपने पूरा ये जो है स्ट्रेंथन करने का ऑर्गेनाइजेशन को, उत्तर प्रदेश सबसे टफ है कांग्रेस के लिए, उसको टफ तो है। और ये देखिए, हमारे लिए एक बहुत लंबी जर्नी है एक तरह से, क्योंकि ये शुरुआत है हमारे लिए। पिछले 30 सालों में पहली बार शायद कांग्रेस 400 सीटों पे लड़ रही है। ये एक पहल है और यहाँ से अब हम अपने आप को आस्ते आस्ते मजबूत करते रहेंगे। सब कहते हैं प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब ये क्रिटिसिज्म आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्रिटिसिज्म नहीं है। मेरा काम है काम करना, मेहनत करना। मेरा काम है संगठन को मजबूत करना। क्यों? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन संगठन जब मजबूत होगा तभी लोगों की आवाज उठाई जाएगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग तानाशाही चलती है। कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। एक ही कांग्रेस पिछले 2 सालों से लगातार जनता की आवाज उठा रही है और उनको दबा नहीं पाए हैं। तो अगर जितना मजबूत हमारा संगठन बनेगा, उतनी मजबूती से जनता की आवाज उभरेगी। और जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, तो ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे। आप यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया भी जो कांग्रेस के अदर जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स हैं, प्रदेश कमेटीज हैं, वहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहती वो। ये वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को लगता ही नहीं कि 100 साल में आए तक। भाजपा पे कॉन्सेंट्रेट करें, उनको कांग्रेस की इतनी क्यों चिंता है? वो अपनी पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करें। वो कभी कहते हैं परिवारवाद, फिर जितने भी नेता पुत्र हैं उनको तो वही ले लेते हैं। यही अगला सवाल था कि उन्होंने कहा कि डायनेस्टी डायनेस्टी डायनेस्टी, वो उनके भाषण में इतनी बारी डायनेस्टी। अगर आपको परिवारवाद से परहेज है तो आपने इतने सारे नेता पुत्र कांग्रेस से लिए क्यों? आपको तो एक परिवार से परहेज है जिसको आप दबा नहीं सकते किसी भी हालत में, कुछ भी कर लें, और आप जानते हैं, इसीलिए तो आपको इतनी चिंता रहती है कांग्रेस की। बोथ राहुल जी एंड सोनिया मैम, वो कुछ जब आप जाती हैं कुछ बताते हैं, कुछ टिप दिए थे कि जब जा रही थी कि नहीं कहा था कि फुल कॉन्फिडेंट जाइए? राहुल सर ने क्या कहा था और सोनिया मैम ने क्या कहा था? नहीं, राहुल तो हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि जाओ लड़ो, तुम लड़ो, लड़ो तुम लड़ सकती हो, जाओ लड़ो, तुम करो, संघर्ष करो, कोई बात नहीं, मुश्किल है तो कोई बात नहीं, और माँ तो माँ है, तो हमेशा अपना ध्यान रखो, क्यों इतना कर, थोड़ा कम करो, थोड़ा रेस्ट लिया करो, खाना खाया है ये नहीं, तो इस तरह के हैं।